दोस्तों, जैसा मैंने दोपहर भी आपको बताया था कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है और बौखलाहट के अंदर हर कीमत पे चाहते हैं कि इमरान को किसी भी तरह से दबा लें। इनसे दबने वाला तो मैं इंशाल्लाह हूं नहीं, लेकिन मुझे आपके साथ की जरूरत है। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर के खेल खेल रहे हैं। दोनों का खेल उजागर हो गया। समाजवादी पार्टी के नेता जो डिबेट में खड़े होकर समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा था, उसकी तहरीर पर शायान के खिलाफ और साथियों के खिलाफ मुकदमा कायम किया गया। 307 का मुकदमा लाइव डिबेट के अंदर, जहां सारा मीडिया मौजूद थी, कैमरे मौजूद थे और मिशन कंपाउंड, जो इसके अंदर सब घरों के ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। सारी बात दो साथियों का उसके साथ बहस हुई होगी, शायान तो वहां मौजूद भी नहीं थे, लेकिन मुकदमा शायान के खिलाफ 307 और 147, 148 और तमाम धाराओं के अंदर लिख दिया। ये केवल और केवल इसलिए किया जा रहा है कि किसी भी तरह से इमरान के घुटनों के ऊपर चोट की जाए और उसे घुटनों पर लाया जाए। मैंने आपसे बार बार कह रहा हूं कि ये सारा का सारा खेल समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर खेल रही है। रात को 12 बजे इनका वोट बन जाएगा, रात को 12 बजे, और हमारे जायज चीजों के लिए भी हमें परेशान होना पड़ेगा। परमिशनों के लिए हमें धक्के खाने पड़ रहे हैं, हमारी परमिशंस नहीं होने दे रहे हैं। हमें कल रोड शो है, अखिलेश जी आ रहे हैं, अब तो ताज्जुब भी हो गया कि आप इतनी भी शर्म नहीं कर रहे हो कि खुला खेल है, सारी चीजों सबको पता है कि समाजवादी पार्टी कहीं दौड़ में नहीं है, लेकिन आप सहारनपुर आ रहे हैं, आपका स्वागत है। लेकिन अखिलेश जी, आपका चेहरा उजागर हो गया कि आप भारतीय जनता पार्टी की पिच पर खेलने का काम कर रहे हैं। आप बौखला गए हो बहन जी के दलित मुस्लिम समीकरण से। आप कितना भी कुछ जोर लगा लो, मुसलमान आपको समझ चुका है कि आप भाजपा के हाथों में खेलने का काम कर रहे हो। समाजवादी पार्टी भाजपा के हाथ में खेल रही है। आपके नेता इस तरह से मुकदमा लिखवाएं, फर्जी मुकदमा, हमारे तो असली ना लिखे जाएं, आपके फर्जी भी लिखे जा रहे। हमें अपना वोट बचाना पारी, आपका रात को 12 बजे गाजियाबाद से आकर के वोट भी बन जाए। वाह लाला जी, क्या खेल खेला है तुमने, धन्य हो लाला जी। लेकिन शहर की जनता लाला जी देख रही है, सब समझ रहे हैं कि जो तुम खेल खेल रहे हो। और मैं अपने शहर के लोगों से कहना चाहता हूं, आप मेरी ताकत हो। अगर ये मुझे जेल में डाल दें तो मेरे जेल जाने का जवाब वोट है, हंगामा नहीं। कोई हंगामा करने की जरूरत नहीं, कोई शोर मचाने की जरूरत नहीं। अपने कागज तैयार करो, अपने कागज तैयार करो, आपके कागज तैयार होने चाहिए। और हर कीमत पर वोट डालना है, शोर नहीं मचाना, वोट डालना है। ये चाहते हैं कि मैं मेरे ऊपर इतना अत्याचार करें कि आप उत्तेजित होकर के कुछ करें। किसी को उत्तेजना में आने की जरूरत नहीं, कोई साथी मेरा उत्तेजित ना हो। हम न्यायपालिका पे विश्वास है, हम हर चीज से लड़ेंगे। आज मैं बार एसोसिएशन में भी गया था, वकील साहिबान से भी कह रहा हूं, पूरी बार एसोसिएशन ने मुझसे वादा किया है कि इस जुल्म के खिलाफ, क्योंकि ये सीधे सीधे लोकतंत्र पे हमला है, आप ऐसे जीत नहीं रहे, जबरदस्ती आप जीतना चाहते हो। आप एक आदमी को घेर करके, दोनों लोग, कमाल ये है, कहने को समाजवादी पार्टी भाजपा की सबसे बड़ा विकल्प बनने के, और मैंने जो बात कही थी वो साबित हो गई कि तू मुझे गाली दे, मैं तुझे गाली दूंगा, ते भी खेल मेरा और मैं भी बाकी सब आउट, यही खेल अब खेलने की। लेकिन सहारनपुर में चलने वाला नहीं। मैं सहारनपुर के तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, खास तौर से दलित से और मुस्लिम से, कि ये आपकी परीक्षा है। ये जो तुम बिरादरियों में बट रहे हो, मुसलमान करके तो हमें छोड़ने को तैयार नहीं, और तुम बिरादरियों में बांट के कहां जाओगे?
ये जो आपके बीच में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार लड़ा दिया, आपकी समझ में नहीं आ रहा क्या कि खेल क्या खेलने की तैयारी हो रही है? सारे नेताओं को मरवा करके बचने वाला कोई नहीं है। जिस कौम का रेवर नहीं बचते, कयादत नहीं बचती, उसका बुरा हाल होता है। ये आज मेरे साथ जुल्म हो रहा है, ये जुल्म कल दूसरे के घर का भी रास्ता देखेगा। ये जिस तरह से मुझे जलील करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से मेरे ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, ये अगर आप इसके ऊपर आपने एक्शन नहीं लिया, और एक्शन कुछ नहीं लेना है, एक वोट ही तो देना है, एक वोट दे देना, आपका एक वोट पड़ने वाला मुझे ताकत देकर जाएगा। कोई बोलने वाला छोड़ दो, इनमें अगर मेरे मुकाबले बोलने का दम है तो मुझे एक वोट मत देना। लेकिन बार बार कब तक भुगतोगे? इनको देख तो लिया आपने, सबको सबको आपने देख तो लिया। वक्त पड़ने पर कोई नहीं बोलता, वक्त पड़ने पर तो मैं ही खड़ा रहता हूं, और मेरे में दम ही नहीं बचेगा तो मैं करूंगा क्या? लड़ता तो मैं तब भी रहूंगा, क्योंकि अपनी फितरत से कभी बाज नहीं आऊंगा मैं। मेरी फितरत में है कि मैं आपके लिए लड़ूंगा, मैं गरीब के लिए, मजदूर के लिए, मजलूम के लिए बोलूंगा। मेरे दामाद को बंद कर करके या मेरे भाई को बंद कर करके आप सोचते हो कि मैं टूट जाऊंगा? आप मुझे भी बंद कर लो, मैं तब भी नहीं टूटूंगा। पिछली बार बंद करके देखा था 2014 में, मुझे लोगों ने वोट से बक्से भर दिए थे। आप बंद करो, आप मुकदमे लिख करके डरा रहे हो। पहले फर्जी मुकदमा नौमान पे लिख दिया, अब फर्जी मुकदमा शायान पे लिख दिया, कल को किसी और भाई के ऊपर भी लिख दोगे। और कैसी सरकार है, समाजवादी की तहरीर पे लिख रहे हो मुकदमा? अरे कम से कम ऐसा ही खेल खेल लेते जो पब्लिक के सामने उजागर ना होता, इतना खुल के। अरे लाला जी थोड़ी अकल लगाते, बस गम ही हो गई तुम्हारे अंदर। थोड़ी सी अगर लाला जी अकल लगा लेते तो किसी भाजपा के नेता की तहरीर पर मुकदमा लिखवा देते, समाजवादी की तहरीर पर मुकदमा लिखवा के। जनता बेवकूफ नहीं है, सब समझ रही है, सबकी समझ में आ गया कि खेल तुम इमरान को दबाने के लिए खेल रहे हो। और चुनाव में दबाया इसलिए जा रहा है कि इमरान जीत रहा है, क्योंकि समीकरण बिल्कुल साफ है, कहीं गुंजाइश नहीं है, कहीं भी गुंजाइश नहीं है। ये जितना चाहे जोर लगा ले, अगर आपने वोट डाल दिया तो 1 लाख से ऊपर जीतेंगे इंशाल्लाह। ये कितना भी जोर लगा ले, ये भाजपा के लोग भी जानते हैं, ये समाजवादी के लोग भी जानते हैं। और ये मेरा वोट सिर्फ इसीलिए तोड़ना चाह रहे हैं कि कुछ वोट लाठी बजा करके पोलिंग डाउन कर करके रोक दें, कुछ वोट ये जो महलों के अंदर भाजपा ने अपने अपने उम्मीदवार खड़े करें, उन उम्मीदवारों को अगर 100-150 वोट का एवरेज भी लगाओ तो 15,000 से 20,000 वोट हो गया, इस तरह तोड़ दें। और कुछ वोट हम भाई इमरान को दबा लें, डरा लें, इसको घेर के, मतलब मेरा हाल क्या कर रहे हैं, मेरे मुझे डरा रहे हैं कि मैं डर के अंदर दौड़ू। मैं दौड़ूंगा नहीं भाई, ना भागूंगा कहीं, गिरफ्तार करना हो 1 मिनट लगाना मुझे, फोन कर देना, गिरफ्तारी के लिए थाने खुद चलाऊंगा मैं। मैं कानून से भागने वाले लोगों में नहीं हूं, मैं साथ कानून के सामने जाऊं, कानून के साथ आपको खींच के लेके जाऊंगा सबको। मैं लड़ाई लड़ना जानता हूं, कमजोर नहीं हूं मैं। अभी न्यायपालिका के अंदर विश्वास है लोगों का, जाऊंगा मैं भी। तब आपने हद कर दी लोकतंत्र को, बिल्कुल ही खत्म करना। और सहारनपुर का ही कल्चर नहीं है जो आप शुरू कर दिया आपने, क्योंकि समाजवादियों की गुंडागर्दी भाजपा के लोग भी पूरी तरह से अप्लाई कर रहे हैं। करिए, समाजवादी भुगतान करेगी, रिजल्ट में पता चल जाएगा, आपको भी भुगतान करना पड़ेगा। ये जनता बख्शेगी किसी को नहीं, ना विकास की बात हो रही, ना काम की बात हो रही, बस इमरान 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 के इर्द गिर्द सारा चुनाव है। किसी पार्टी का देख लीजिए, मेरे इर्द गिर्द चुनाव है, भाजपा वाले भी मुझे गाली दे रहे, समाजवादी वाले भी मुझे गाली दे रहे। भाई इसीलिए तो मुझे बुरा कह रहे कि उन्हें पता है मैं जीत रहा हूं, और हराने की जी तोड़ कोशिश है। थोड़ा थोड़ा ही वोट पर बात करेंगे ये, लेकिन भाई मेरे हाथ जोड़ के विनती है, मेरी सबसे गुजारिश है कि मुझे चाहे जिस तरह मार लो, लेकिन वोट जरूर दे देना। वरना मेरा इन्होंने हाल वो करना है
जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। मैं इसलिए वोट मांग रहा हूं आपसे कि शहर का विकास हो, कयादत मजबूत रहे। ये बोलने वाली लीडरशिप को खत्म कर रहे हैं जानबूझ करके, एक साजिश के तहत। और सबसे बड़ा इसमें साजिश है अखिलेश यादव है, इसने चुन चुन के मुसलमान के नेताओं को खत्म कर दिया। आपकी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है? इनको पैर पकड़ने वाले और पैर दबाने वाले नेता चाहिए। इनकी आंख में आंख डाल करके आजम खान जैसे जो बोलने वाले लोग थे, सबको बर्बाद कर दिया इन्होंने, सबको तबाह कर दिया। अगर अब भी समझ में नहीं आ रहा, बस अल्लाह ताला, मैं तो फिर यही कहूंगा कि अल्लाह ताला आपको अकले सलीम दे, सोचने समझने की सलाहियत दे। मैं सब जगह मेयर के इलेक्शन में ये जो बिरादरीवाद का नारा दे रहे हैं, पहले इनसे पूछ लो। अस्मत मलिक मेरठ में लड़ रहा है मेरे, हैं? शमीम मलिक साहब मुरादाबाद में लड़ रहे हैं मेरे। मेरे जो क्षेत्र है, जो मुझे बहन जी ने दिया, उसमें तीन मेयर लड़ रहे हैं, तीन में एक मैं हूं और दो वो हैं, और तुम यहां बता रहे हो दूसरी बात। अरे उनके लिए क्या मदद की तुमने? बताओ उनके लिए क्या मदद करोगे तुम जाके, अगर तुम इतने बड़े ठेकेदारी कर रहे हो? चूंकि राजनीति के अंदर बिरादरी और धर्म और जाति ये सब चलनी नहीं चाहिए, लेकिन आप तो बिरादरी के सबसे बड़े। बताओ मेरठ में क्या कर रहे हैं आप? मेरठ में आपके नेता ने जानबूझ करके रफीक अंसारी को बेइज्जत किया, जानबूझ के बेइज्जत किया रफीक अंसारी को। मुरादाबाद में आजम खान की अनदेखी कर दी। आजम साहब रो रो के कह रहे हैं कि खुदकुशी हराम है, वरना मैं खुदकुशी कर लेता। आंख से आंसू निकलते हैं। कल को आप चाहते हो कि मैं भी ऐसे ही बोलूं, मैं भी ऐसे ही कहूं बैठ करके, क्योंकि मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे चारों तरफ से घेर लिया है। कौन मुझे बचाएगा? तुम्हारे अलावा कौन इबादत करेगा? ये चुनाव थोड़ा ही हो रहा है, ये तो मेरी बर्बादी की भर तहरीर लिखी जा रही है कि मुझे बर्बाद करना, और सब इकट्ठे होके कर रहे हैं, सब इकट्ठे हो गए एक जगह। मैं सबसे कहना चाहता हूं, एक एक वोट बहुजन समाज पार्टी को डाल दो, कोई तो रास्ता होगा, कहीं तो शेल्टर मिलेगा, कम से कम दलित हमारे सामने शील्ड की तरह खड़े तो हो गए। दलितों ने एक दीवार बना ली इमरान के सामने। जब ये साथ खड़े होंगे, दूसरे सवाल साथ खड़े हो जाए होंगे। बस मैं एक ही गुजारिश कर रहा हूं कि वक्त बहुत सख्त है, इस सख्त वक्त में इमरान का साथ दे देना। सहारनपुर के लोगों आपसे कह रहा हूं, मेरा साथ दे देना, आपके अलावा कोई सहारा नहीं है। मेरे तमाम उम्मीदवारों को हाथी के निशान पे, कस्बों के अंदर जहां जहां मेरे हाथी के निशान पे चुनाव लड़ रहे हैं, हाथी के ऊपर वोट दे देना। बहुत बहुत शुक्रिया।